हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें डिलीवरी के बाद 14 महीने हो गए हैं या फिर 13 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारा फर्स्ट पीरियड नहीं आया है। हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पीरियड आ जाए, वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपने हो सकती है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहे इस वीडियो में। तो देखिए, इसके पीछे क्या कारण होता है ना आने के पीछे। देखिए, हो सकता है आप ब्रेस्ट फीडिंग सही करवा रही हो, बच्चा ठीक ठाक मिल्क आपका ले रहा है और ऊपर का कम ले रहा है, केवल आपका मिल्क ज़्यादा ले रहा है, तो इस कारण आपके पीरियड नहीं आ सकते हैं काफ़ी लेट तक। तो ये बिल्कुल ही कॉमन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। नंबर एक, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी तक हमारा पहला पीरियड नहीं आया तो हम प्रेगनेंट भी नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपके पीरियड से पहले ओवुलेशन होता है, उसके बाद भी डिसाइड होता है आपका पीरियड आएगा या फिर आपको बच्चा लगेगा। अगर आपका ओवुलेशन हुआ है और आपने उसी दौरान अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाया है, तो आपको प्रेगनेंसी लग जाएगी। तो इसलिए उसके बाद आपके पीरियड रुक जाएंगे। हो सकता है आपकी पीरियड रुकने की वजह आपकी प्रेगनेंसी हो और आप सोच रही हैं कि हमारे पीरियड डिलीवरी के कारण नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। बहुत ही इजी तरीका है, घर पे आप आसानी से मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट ला के आराम से कर सकते हैं। इस पे मेरा डेडिकेटेड वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि महिला को पता ही नहीं चलता उसको प्रेगनेंसी लग गई है। जब उनको 2 महीने 3 महीने बाद उल्टी आने लगती है तो तब उनको पता लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं लग गई है, और तब वो इतनी लेट प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वहां पे प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है। और जब अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो पता लगता है कि बच्चा 2.5 महीने का है, 3 महीने का है। फिर वहाँ पे एबॉर्शन टैबलेट भी नहीं ले सकते, क्योंकि एबॉर्शन टैबलेट 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी में ही आप ले सकते हैं, ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। तो इसी कारण आपको अवेयर रहना है, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना है। अगर आपके पीरियड साल भर में नहीं आ रहे हैं, 10 महीने 11 12 महीने में नहीं आ रहे हैं, तो आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लीजिए। इसके बाद अगर निगेटिव आ रहा है तो आपको 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो आपको HB टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है आपका शरीर में खून की कमी हो जिस कारण कि आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो जरूर एक बार अपना HB टेस्ट करवा लीजिए। आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है डिलीवरी के बाद, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को खून की कमी भी हो जाती है जिस कारण कि उनका पीरियड लेट हो जाता है या फिर आते ही नहीं है, तो जिससे कि आप समय पर ट्रीटमेंट ले पाएंगे और आपके पीरियड भी आ जाएंगे। तीसरा, आपको डाइट सही लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो आपको डाइट की काफ़ी अच्छी ज़रूरत होती है। इससे पहले आपकी डिलीवरी भी हुई है और डिलीवरी के समय जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी ब्लड लॉस भी होता है, सिजेरियन डिलीवरी में तो ज़्यादा ही ब्लड लॉस होता है नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा। तो इसके लिए आपको डाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखने की ज़रूरत होती है आफ्टर डिलीवरी। तो आपने डाइट में आयरन रिच डाइट रखिए आप, जिसमें कि आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी हो, जैसे अनार हो गया, गुड़ हो गया, और भी चीज़ें होती हैं, हरी सब्जियां हो गई, दालें हो गई, ये चीज़ें लीजिए जिससे कि आपके शरीर में खून की कमी ना हो पाए डिलीवरी के बाद, क्योंकि अभी आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही हैं, बच्चा दूध भी ले रहा है, तो आपको एक अच्छी खासी डाइट की आवश्यकता होती है। अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी तो तब भी आपको पीरियड लेट आ सकते हैं। दूसरा, आप में अगर खून की कमी होगी तो तब भी आपके पीरियड नहीं आ सकते हैं या फिर लेट आ सकते हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट होंगी तो तब भी आपके पीरियड नहीं आएंगे। वैसे तो ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन इन चीज़ों को, 3 चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना है ताकि समय पे पता चल सके आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका पीरियड आने से भी पहले, यानी कि फर्स्ट पीरियड आने से भी पहले आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरा, HB टेस्ट जरूर करवा लें, हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी हो जिस वजह से आपका पीरियड नहीं आ रहा है। तीसरा, आपने डाइट को सही रखें, ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखना आपको जरूरी होता है। डाइट आपको सही रखनी है जिससे कि आपके पीरियड जल्द से जल्द आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कोई भी सवाल है आपके तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।